हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में ये डिराइवेशन पूछा जाता है। ये जो बॉक्स पर आप लोगों को डिराइव करने के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और आप लोगों को डिराइव करना होगा। ये एक्सप्रेशन हमें क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल सेट जो कि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करके चलता है तो उसे हम लोग फर्मियंस कहते हैं, और उन फर्मियंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे अगर हम लोग एक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक्सप्रेशन ये, और इसे हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर फॉलो करके चलना पड़ेगा जो कि फर्मियंस के लिए एप्लीकेबल होता है। पहला कि जो फर्मियंस है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, यानी कि दो फर्मियन या तीन फर्मियन अगर आप लोग को दिखाई देगा तो वो बिल्कुल सेम होगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप लोग। दूसरा कि जो फर्मियंस है वो हमेशा क्या करके चलता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलता है, है ना। और एक बात ध्यान रखना, उसमें जो कंपार्टमेंट होते हैं या सेल्स होते हैं जो कि मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ डिराइवेशन पर, तो वहां पर क्या होता है, आप लोग क्या कर सकते हो, एक सेल में या एक ही पार्टिकल होगा या एक फर्मियन होगा या होगा ही नहीं, है ना। एक सेल में मान लीजिए एक फर्मियन होगा या होगा ही नहीं, दो पॉसिबल केसेस हो सकता है। तो ध्यान से देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक सिस्टम को कंसीडर करेंगे जिसमें एन इन दिस डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होगा, है ना, और जो कि कई कंपार्टमेंट पर डिवाइडेड है। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, सिस्टम है, तो उसको अलग अलग कंपार्टमेंट पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और हर एक कंपार्टमेंट पर हम लोग उसे भी डिवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। मान लीजिए कई कंपार्टमेंट है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कई कंपार्टमेंट है, और उस कई कंपार्टमेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सेल्स डिवाइड करेंगे एक एक करके। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने लिखा है कुछ इस तरीके से, लेट द सिस्टम कंटेन्स एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स डिवाइडेड इनटू के कंपार्टमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू सेल्स ऑफ एच क्यूब साइज, है ना। जो सेल है उसका बेसिकली साइज एच क्यूब है, जहां पर एच मतलब क्या है आप लोगों को पता होगा, है ना। तो यहां पर देखिए जो एन है यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो एक पार्टिकल, दो पार्टिकल और कैच पार्टिकल तक प्लस करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए मैंने कहा था कि जो कंपार्टमेंट है उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल करेंगे। तो मान लीजिए सेकंड नंबर कंपार्टमेंट के लिए, तो उसे हम लोग आइथ कंपार्टमेंट बोल देते हैं। आइथ कंपार्टमेंट में मान लीजिए कितना है, तीन सेल्स है, तो उसे हम लोग GI कहेंगे, यानी कि Z3 कहेंगे, है ना, यानी कि Z3 नंबर ऑफ सेल्स है। तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, लेट GI नंबर ऑफ सेल्स इन द आइथ कंपार्टमेंट। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये वाला आप लोग अगर याद रख लेंगे ना ये वाला फॉर्मूला, तो पूरा डिराइवेशन बहुत आसान हो जाता है। ये क्या है, जो नंबर ऑफ वेज है NI पार्टिकल्स GI स्टेट पर, यानी कि उस सेल्स पर, यानी कि मैंने कहा था कि सेल्स पर पार्टिकल होगा या तो एक पार्टिकल होगा या पार्टिकल होगा ही नहीं, फर्मियन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्चुअली फर्मियंस, कैसे फर्मियंस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अगर हम लोग परम्यूटेशन करके निकाले तो वो जो फॉर्मूला बनता है वो है GI फैक्टोरियल, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय GI माइनस NI फैक्टोरियल, NI फैक्टोरियल, है ना। तो ये आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है, इनका समीशन है, इनका समीशन, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए समीशन मतलब क्या है, समीशन का सिंबल अलग होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का समीशन, क्योंकि यहाँ पर आई मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, तो Z1 by Z1 minus N1 N1 factorial into Z2 by Z2 minus N2, यानी कि उन सबका अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो ये वाला सिंबल निकल के आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W पर दोनों साइड पर क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे, तो आप लोग लिख भी सकते हो, देखेंगे लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग जैसे ही लगाएंगे क्या होगा, ये नीचे वाला टर्म माइनस में आ जाएंगे, नीचे वाला टर्म माइनस में आ गया। अब यहां पर क्या करना है, आपको इस वाले फॉर्मूला पर डिफरेंशिएशन करना है और स्टर्लिंग्स फॉर्मूला लगाना है। हम लोग जब बोसी आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पर ये वाला डिराइवेशन किया था, तो उसी के जैसे एग्जैक्ट डिराइवेशन होगा। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो ये वाला लिख के कि इसको जब आप लोग स्टर्लिंग्स फॉर्मूला लगाएंगे फिर आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये वाला मिलेंगे। आप लोग डायरेक्ट इसी को लिखेंगे एग्जाम में, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, इसी में दो पेज शायद चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसे ही याद कर लीजिए, ये वाला याद कर लीजिए, बेसिकली दो याद रखते हैं, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, है ना, बहुत ही आसान है। ध्यान से देखना LNGI माइनस NI माइनस LNNI, ये दोनों पहले आ जाएंगे साथ में DNI, बस ये आप लोगों को याद रखना है। और थर्मल इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम पर जब मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट हो सकता है तब जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता है ना उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो होता है, वो हम लोगों ने पहले चैप्टर पर देख लिया था, है ना। तो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे, यही वाला वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर आ जाएंगे, है ना।
ध्यान से देखना, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, इस वाले को इक्वेशन नंबर हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा एक रिएक्शन पर क्या होता है कंजर्व होता है, या टोटल एनर्जी भी कंजर्व होता है। तो यहाँ पर देखिए तो जो एनर्जी है यानी कि एनर्जी ई टोटल एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कॉन्स्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि कंजर्वड है ना। तो चेंज इन पार्टिकल्स भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, अगर वो कॉन्स्टेंट टाइम का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, डी इज इक्वल टू जीरो होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम जीरो होगा, है ना। और एनर्जी का वैल्यू क्या है, EIDNI होता है, NIEI तो इज इक्वल टू जीरो, है ना। इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर टू, इसे इक्वेशन नंबर थ्री मान लेते हैं। टू के साथ माइनस अल्फा करेंगे और थ्री के साथ माइनस बीटा करेंगे, जो कि अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट है, और दोनों को साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को सम कर देंगे, है ना। आप लोग कुछ ऐसे तरीके से लिखेंगे तो ये वाला आ जाता है ना। तो यहाँ पर इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर ए को ध्यान से देखो, अगर हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी लगाए, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर किसी टर्म क्या होता है माइनस पर होता है किसी वाला टर्म, तो वो डिवाइड में चले जाते हैं, तो माइनस एल एन आई डिवाइडेड बाई जी आई माइनस एन आई डी एन आई डी साइड इक्वल टू जीरो, ए को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग इक्वेशन नंबर फोर को और इक्वेशन नंबर फाइव को प्लस कर देते हैं, क्योंकि दोनों साइड पर जो राइट हैंड साइड है जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो के बाद हम लोग प्लस कर देते हैं, जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, और इन दोनों को प्लस करने पर ये वाला मिलेंगे। अब डी एन आई को उस साइड पर ले जाएंगे तो डी एन आई का वैल्यू जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, तो ये वाला टर्म जीरो होना पड़ेगा। अब ये वाले इस वाले टर्म को उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएंगे, है ना। अब देखिए एल एन को उधर भेजेंगे तो ई टू डी पर अल्फा प्लस बीटा ये होगा, और माइनस को हटाना है तो इस वाले को रिसिप्रोकल कर देंगे, रिसिप्रोकल कर दिया हम लोगों ने, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को एक एक करेंगे, जी आई बाई एन आई, जी आई बाई एन आई होगा, माइनस एन आई बाई एन आई वन होगा, माइनस वन को उधर भेज देंगे क्या हो जाएंगे प्लस वन, है ना। इसको रिसिप्रोकल कर दीजिए ये वाला, और लास्ट में आप लोग को जी आई को उधर भेज देंगे तो ये वाला मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग यहाँ से समझ गए, है ना, और यही हम लोग को डिराइव करना था। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तभी थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना मुझे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए यहाँ तक, तब तक के लिए जय हिंद।